जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग माशाल्लाह खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे हमें पोल्ट्री शेड्स पर बुलाया गया जहां पर कोई जानवर जिंदा नहीं बच पाता, सही और ये कोई समझ लें इत्तफाक या वहम नहीं है इनका। हमें बुलाने का मकसद उन सारी चीजों को क्रॉस कर गए ये लोग, वहम दूर कर लिए अपने, दवाइयां बदल ली, खुराक बदल ली, जानवरों की इकसाम बदल ली, मुर्गियां, सिर्फ मुर्गियां नहीं, ये चार शेड हैं ऐसे, अच्छा ये एक शेड, सही। ऐसे चार शेड्स हैं यहाँ पे बहुत बड़े, चारों खाली हैं, चारों के चारों खाली। ऐसे कैसे हो सकता है? सर इसी बात पे अगर तो हम पहुंचे, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ एक दो तीन चार 50 100 एट अ टाइम नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं, ऐसा नहीं नहीं हो होता सकता। ना नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं हो मुझे सकता। कहते हैं आप देख लें, मुझे अच्छा कहते हैं आप चेक कर लें। मैंने कहा क्या चेक कर लें? कहते हैं आप खुद चेक कर लें। अच्छा जी शाज भाई मैं आपसे क्या अर्ज की, वो काम हो रहे हैं, वो वाकयात सामने आ रहे हैं जिनको अकल तस्लीम नहीं कर। ये मैं आपको जगह बताता हूँ जी, गुलशन हदीद हमारा सही। स्टील मिल के पास, उसकी बैक साइड पर पहाड़ियां हैं बहुत, उन पहाड़ियों के बीच में इन्होंने ये बनाया ताकि जी आइडियल हो जानवरों के रहने के लिए। सही। ट्रेन से जितना है हैदराबाद जाते हुए ना, सर पहाड़ियां आती हैं क्या रास्ते। माहौल, ना जैसे पोल्यूशन ना हो वहां पर, शोर शराबा ना हो, जानवर अच्छे अंदाज में फले फूले, आइडियल सही लोकेशन जो जानवरों को चाहिए होती है ना, कि पोल्यूशन नहीं चाहिए होता, ज्यादा शोर शराबा नहीं, उस हिसाब से मैंने कहा ये तो आइडियल जगह, यहाँ तो इनको ज्यादा फलना फूलना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जी ये साहब है अच्छा, ये मालिक है। जी। अच्छा एक प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, मालिक कह लें केयर टेकर कह लें, अच्छा 8 साल पहले यही शेड्स आपको खाली नहीं मिलते थे, अच्छा इतनी बुकिंग्स होती थी इनकी, सही। ठेके पे दे देते हैं ना कि आप अपने किराए पे ले लें, तो सही। इनकी लोग इनके पीछे भागते थे कि भाई नहीं, हमें ग्रोथ थी यहाँ पे बहुत। ग्रोथ, माशाल्लाह उनका वेट बड़ा अच्छा रहता, मुर्गियों का बड़ा अच्छा पलती, आइडियल जगह हर चीज। 8 साल पहले, 4 साल तक इनका काम उरूजों पर, अच्छा बे इंतहा उरूजों पर, चारों के चारों शेड फुल एडवांस बुकिंग्स, जैसे फार्म हाउस पे होता है। सही। अचानक इनको बंद करना पड़ा ये काम, अच्छा, कोई नहीं, इन मसला 8 सालों हुआ? में कुछ हुआ है। 4 साल पहले सही। इनको बंद करना पड़ा, 4 साल तक ये खाली रहे, ये अच्छा शेड्स 4 साल तक खाली रहे, और अब जब ये एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं इसको आबाद करने की, तो जानवर ही नहीं बच रहे। सही। शायद में सारे सवालात कर लिए इनसे, वेटनरी डॉक्टर, बीमारियां, कोई सांप बिच्छू, कोई बाइट मार्क्स, कोई आपके इस एरिया के अंदर कोई होता है ना, कोई खुदा ना खास्ता कोई जहर टाइप, या कोई ऑक्सीजन के अंदर कुछ जी ऐसा जी मामला जी जी जानवर से, नथिंग नथिंग। कहते हैं हम पहली बार ये काम नहीं कर रहे, हम तो एक अरसे से कर रहे हैं और हमारी समझ से बालातर है। फिर अच्छा मैंने यहां तक कहा ठीक है, ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है, याद नहीं हम एक शेड पर गए थे, जी 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 वहां जी चीर फाड़ हो जाती थी मुर्गियां, सही। जानवर कहां से आता था कहां जाता था, याद है आपको? जी, वो वो जिसमें तबाही मचा दी थी। जी, गांव पूरा परेशान था। सर यहां मसला ये है कि कोई एक कट का निशान नहीं होता जानवरों अच्छा, यही तो हैरानकुन का, बात है, उनको ताज्जुब की बात छुपा यही है। कैबरा भी तो खून चूसता है ना, जी, वो भी नहीं, कोई बाइट मार्क्स नहीं, कोई कट नहीं, कोई एक पर नहीं टूटा होता मुर्गी का, कि चलो कोई होता है ना कोई अफरा तफरी हुई, कोई भगदड़ हुई, नहीं, बॉडी होती मिलती थी उनकी। वही पड़ी हुई अच्छा, खड़े खड़े मर गई। फिर तो कोई जानवर नहीं आता, क्योंकि जानवर अपने ठिकाने पे ले आके खाना खाता है, मतलब शिकार करता सांप बिच्छू एक को डसे, दो को, 5 को 10 को 50 को तो नहीं डस सकते, और डसे तो कोई निशान तो हो। हमसे कहा गया आप खुद चेक कर लें। ना। अच्छा मैं अंदर आया, मैंने खुद देखा ना, यहाँ तक कि जो हम अक्सर जानवरों के लिए मट्टी रखते हैं, जैसे बड़े जानवरों के लिए भालू मट्टी का इस्तेमाल रखते हैं, नरम होती है सही। बहुत, इसी तरह मुर्गियों के लिए भी ना एक खुश्क और एरिया होता है ना,
सर हर चीज का इन्होंने एहतमाम यहाँ पर किया हुआ, ये खुद भी बड़े तजर्बेकार, और कहते हैं भाई हम वो सारी चीजें क्रॉस करके, और तो और सिर्फ यही नहीं, साथ ना इनके जो गार्ड रूम होता है चौकीदार का कमरा, वहां पे कहते हैं हमें पत्थर पड़ते हैं, अच्छा, हमें पत्थर पड़ते हैं, हमें आवाजें आती जैसे कोई भगाना चाह रहा हो हमें, मतलब वहां पे दिन में या रात में, शाम के टाइम, शाम के टाइम आराम करने के टाइम? जी असर से मगरिब के बाद ये मामले शुरू हुआ वहां पर। कहते हैं दो तीन चौकीदार बदल भी गए हैं वहां पर और बंद है, अब एक अरसे से बंद है। अब इससे बात ये पैदा होती है कि चलो जानवर तो जानवर, किसी इंसान को भी नहीं टिकने दिया जा रहा है यहाँ पर। एक इसका डाउट मतलब होता है ना कि चलो कुछ हाँ जानवरों के साथ भी मसला, कहते हैं जितने चौकीदार गार्ड्स वगैरह यहाँ पर आए वो सबके साथ जो है ना यहाँ पर उनको पत्थर पड़े इस जगह, इसके पीछे जहाँ हम खड़े हैं ना, इसकी बैक सही। साइड पर इनका रूम है, मैं गया उसमें, दिखा दीजिएगा, पूरा अच्छा, जला हुआ, जला हुआ है? पूरा जला हुआ, छत भी उसकी काली स्याह हो गई अरे ये पूरी, तो वाजे निशानी है, जैसे आग नहीं होती, छतों पे पूरी आग ही आग। ये तो हमें हर ऐसी ऐसी जगहों पे तो हमें बहुत मिली, वाफिर मिकदार में हमें ऐसी जगहों पे आग मिली है। देखा दिखाएं। मैंने आपसे अर्ज की इनके रूम की, ये इनका जी रूम है, और इसमें हम जब जाते हैं अंदर, ये देखिए ये चारपाई डली हुई है, जी और ये आग देखिए गर्ज, तो जब जमीन पे एक निशान भी नहीं है आपका, जी नीचे नहीं है, नीचे ये नहीं है सर, जहां नीचे से नहीं है, आग लगनी नीचे नहीं चाहिए है। और दीवार हाँ पे ये कौन सी, देखिए ये ये देखिए देखें है या नहीं, यार, ये बड़ी हैरान कन चीज होती है, मुझे हमेशा ताज्जुब रहता है कि ये नीचे नहीं दीवारों है। पर भी कोई ऐसी चीज नहीं जो आग पकड़े। हाँ बिल्कुल, वो मिट्टी, वो दीवारें और सीमेंट की चादर, और ऊपर तक आप देख सकते हैं कि पूरा आग ही आग। तो ये जो इनकी जगह थी खुद जहां पर ये रहते थे, चौकीदार गार्ड और रखवाली पे होते हैं ना कि जी कोई जी खुदा ना खास्ता चोरी या कोई जानवर का हमला किस तरह से जी ना हो, तो एक ड्यूटी पे होते ही होते हैं 24 घंटे ना, 12 12 घंटों की शिफ्टें, 8 8 घंटों सही। की शिफ्टें, तो कोई टिक नहीं सका यहाँ पर। ये जो बता रहे हैं, समझ सकते हैं यहाँ तो कुछ और मामला है। हाँ, समथिंग पैरानॉर्मल, पैरानॉर्मल है ये तो। समथिंग इज पैरानॉर्मल देयर। और जब हमसे यहां तक कहा गया, देखिए हमें कभी ये नहीं कहा गया कि आप खुद चेक कर लें, चैलेंज, आप अंदाजा लगाएं कि कितने श्योर हैं वो, इनको कितना नुकसान हुआ है कि उनको यकीन है कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ होगा? वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं ना शक की, अच्छा, हम वो सब वहम, हमारे कोई धोखा, कोई इत्तफाक, हम सब उसको क्रॉस हो गए तभी तो आपको बुलाया, सही। हम सब चीजें करवा के हर चीज जो है ना, यहाँ तक कि किसी से पता भी करवाया तो इन्होंने कि कोई गड़बड़ है इधर। अच्छा, तो ये इसका मकसद है कि कारोबार तबाह करने के लिए किसने जादू वादू किया रहा है? ये यार तो आप बता रहे हैं ना कि ये चल रहा था, प्रोफेशनल जेलेसी भी तो होती है ना। कहीं ना कहीं इतनी सी सही आपकी गलती खुद भी होती है शिराज भाई, वो कहते हैं ना धोखा खाने के लिए भी जो है ना थोड़ी सी गलती करनी पड़ती है, धोखा ऐसे कोई दे भी नहीं सकता ना आपको, तो अच्छा, तो जैसे जाके क्या इन्होंने पता। गलती की होगी अंदाजन? यार ये तो खुद केयर टेकर है यहाँ पर, और जब हमसे ये इन्होंने कहा ना कि जी 4 साल तक बहुत अच्छा रहा, 4 साल बाद जो है ना हमें बंद करना पड़ा, और ऐसा बंद करना पड़ा कि 4 साल तक कोई आबाद नहीं हुआ ये, फिर अब जब हम उसको आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब ये हो नहीं पा रहा है, इतना सख्त हो गया यहाँ पर काम कि आप मगरिब के बाद ना कोई चौकीदारी कर पाता है। सजाद भाई, ये भी हो सकता है ना, ये वीराना है, जब बन रहा है तो अब तो यहाँ पे मखलूकात आ गई होंगी। वो ये जो हो आप जो सकता जगह है, बता रहे हैं मुझे, वो हम यहाँ से, आपको पता है कराची से हैदराबाद ट्रेन खाली जी जाती है, जी जी मतलब वीराना होता है, तो आते हुए आपको पता है डाउट ट्रेन डाउट है जंगल। अच्छा जंगल दिखता है सब, हम यही पहाड़ियां देख रहे होते हैं। एक बात और, इनके साथ ही ना इनके जो शेड्स हैं उसके साथ ही आगे एक फ्रूट फार्म है छोटा सा, अच्छा, वो भी कभी बहुत फलता फूलता था, बहुत आबाद होता था, बड़ी रौनक होती थी वहां पर, अब उसका भी हाल जो है ना वीराना हो गया। तो ये तो इत्तेफाक तो नहीं है भाई मेरे, इसका मतलब यही है कुछ मामला वहां पैरानॉर्मल चल रहे हैं या और करवाए वो जा रहे बढ़ते हैं जा रहे हैं, वो पहले जी। सिर्फ शेड तक, शेड के साथ चौकीदार का रूम, चौकीदार के साथ उस तरफ जो फूड फार्म था सही। फलों का, वहां तक बढ़ता जा रहा है, एक तरह से उनका जो दायरा है वसी होता जा रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ बर्बादी हो रही है। और जब हमसे कहा गया कि जी आप खुद चेक कर लें, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे चेक कर लें खुद, सही। एक बात है अगर आपको कह रहे हैं कि आप खुद चेक कर लें, तो मुझे वहां ये समझ नहीं आ रहा था कि हम ऐसा क्या करें जो चेक हो जाए। सही।
तो ये देखने वाले बताएंगे कि हम क्या कर सकते थे वहां पे, या क्या करते जो हम चेक कर सकते थे, कैसे सही चेक कर सकते थे। तो ये तो जो आपको सुनाया, इंशाल्लाह दिखाएंगे भी आपको। और ये भाई जो सबसे बड़ी बात, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, अच्छा जिस यकीन के साथ इन्होंने एक नहीं कई बार हमसे कहा ना, मैं चाहूंगा वो सुनिएगा, ठीक देखिएगा बल्कि। तो जी ये सब आपके सामने है। दोबारा एक अर्ज कर देता हूँ कि सब इंतजाम, सब बंदोबस्त, हमें सब कहते हैं ना कि बुलाया जाता है, और ये नहीं जी ये हुआ हुआ है यहाँ पर, सही इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दुआएं थी हैं रहेंगी, कर्म था है रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। शुक्र है अल्लाह का, कलम अल्लाह से कलम जारी रखे। ये मुर्गियाँ रखी हुई थी फार्म में, जी वहाँ जानवर थे हमारे पीछे वाले फार्म, अच्छा एक बार फार्म शेड इसमें में जानवर थे बकरे गाय बैलें बकरे थी, भाई इधर मुर्गियाँ मुर्गी। थी। दिन में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। यार यही है ना, वहाँ दिन में भी हो ना फिर जानवर, चलो अच्छा ठीक है रात में भी जानवर, लेकिन ना खा रहा है ना उनको कोई निशान है, खून नहीं है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, खड़े खड़े जानवर जो है गिर जाते। गिर जाता है मजा। बस हम यहाँ से चक्कर लगा के चले गए, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आए तो जानवर गिरे पड़े हैं। आए इसको जरा यहाँ से देखें, अब पहले ये बहुत आबाद हुआ करता था, हाँ पहले आबाद हुआ करता था, माशाल्लाह जानवर भी आज से थे। तकरीबन 7-8 साल पहले ही आबाद था। यार सुनते ये इलाका देख रहे हैं आप, एरिया देख रहे हैं हम हैं कहाँ पर। यार बिल्कुल ये समझे कि दिमाग माउफ हो गया जहाँ हम आए। मैं हैरान हूँ उनकी कॉन्फिडेंस पर कि वो कह रहे हैं कि आप कोई जानवर ले आए आधे घंटे के अंदर अंदर वो मर जाएगा इस जगह पर। इतना सख्त यार, इतना सख्त अमल सुहेल भाई। ये होता यही है साहब, और पहले आबाद था मतलब, फिर बीच में जो वक्फा आया 3-4 साल का, उसमें ये सब यहाँ बस गए, किसी ने कुछ कर दिया। ये देखे शुरू हो गए इनका शेड, एक ये रहा, ऐसे 4 बड़े बड़े शेड हैं जी, जिसमें इन्होंने सिर्फ मुर्गियाँ नहीं बकरे गायें बैलें सब, और वो सब के सब यहाँ पर खड़े खड़े अल्लाह को प्यार कहते। हम देख के जाता हुआ ख़त्म हो जाना ये तो वाज़े निशानी है, कोई अपने ही है इनके। ये देखें सुर ये दूसरा जी, ऐसे तीसरा आगे चौथा, हमने वो जानवरों की जगह भी देखी। बात ये है कि कुछ हो भी तो सही ना, कोई हमला कोई निशान कोई अटैक किसी तरह का वो भी नहीं। कहते हम देख कर जाते हैं सब ठीक होता है। वो मैंने चेक किया यार, कहीं से कोई जाली नहीं कटी हुई सोहेल भाई, कोई और जानवर आए। देखें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, बीमारियां तजुर्बेकार लोग हैं, सारा काम तो किया होगा ना, डॉक्टर्स जो फीड करवाते हैं वो सारी चीज़ें चेक करवाए होंगे, उसके बाद ही तो खाली करके भाग गए हो जाए। ये मेरे ख्याल से सब कुछ करने के बाद इन्होंने बुलाया है हमें कि जी हमारी समझ से बाहर है आप बताएं। मुझे ख्याल था
जंगल है, कई तरह के जानवर होंगे, होते हैं, उनमें से कोई हो, उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं से कोई जो है ना खुला हुआ नहीं है, कोई जाली नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सांप बिच्छू वगैरह, और चलो एक दो के साथ हो ना, कह रहे 50-50 जी एक साथ हमारी, हम देख के जाते हैं और कोई आवाज भी नहीं होती। अगर अगर जानवर पे कोई हमला होता है वो चीखता तो है ना, शोर तो करता है। की बात है ना, वो गिरेगा आराम से, जैसे बिल्कुल बैठ के फिर गिर के फिर जाके देख रहे हैं तो वो खत्म हो चुकी है चीज। और मुझे क्या कह रहे हैं कि आप ले आओ खुद देख लो। हाँ कह रहे थे, क्या करें, लाए ले आते हैं, चले आज ये भी शक दूर करते हैं। मतलब सुबह वो हमारे सामने मर जाएगा, हम कैमरा लगाएंगे। हाँ। देखेंगे।